TV9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति झा। कहते हैं पुलिस की आन बान और शान उनकी वर्दी होती है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में पुलिस की वर्दी पहनकर एक शख्स ने वर्दी को तार तार किया। जी हां, बिहार के पटना में फर्जी DSP सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को फंसा रहा था और लोगों को झांसा देकर पैसे भी ठग रहा था। क्या है पूरा मामला और पटना पुलिस ने उस फर्जी DSP को कैसे अपने चंगुल में लिया है, समझिए इस रिपोर्ट। राजधानी पटना में फर्जी DSP सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन जब उसका सामना असली पुलिस वाले से हुआ तो उसकी सारी हिकड़ी निकल गई। पटना पुलिस ने फर्जी DSP को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस ठगी की पहचान विजय कुमार भारती के रूप में हुई है। पटना पुलिस की विशेष टीम ने विजय कुमार भारती को गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कारगिल चौक से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पटना पुलिस ने बताया है कि फर्जी DSP कारगिल चौक पर ऑटो चालक से भाड़े को लेकर झगड़ा कर रहा था। फर्जी DSP ऑटो वाले को पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। हंगामा देखते हुए जब मौके पर पुलिस पहुंची, तब ऑटो चालक से झगड़ा कर रहे शख्स ने खुद को DSP बताया। इस पर गांधी मैदान थाने की पुलिस ने उससे उसका परिचय पत्र मांगा तो उसने अपना ID कार्ड दिखाया। शख्स द्वारा दिए गए ID कार्ड पर पुलिस महानिदेशक या फिर पटना के किसी आला अधिकारी का कोई हस्ताक्षर नहीं था। सुनिए DSP अशोक कुमार ने क्या कहा है। ऑटो से सवार होकर के कहीं में जा रहे थे, ऑटो वाले से भाड़ा देने के मुद्दे पर इनका बकझक हो गया। इन्होंने कहा कि मैं DSP हूँ, मैं इतना भाड़ा नहीं तुमको दूंगा। और बकझक होने के पश्चात ऑटो वाले की सूचना पर गांधी मैदान थाना ने कारगिल चौक पर पकड़ करके कल रात्रि में लगभग 10 बजे इनको वहाँ पर अपने हिरासत में लिया और इनके द्वारा बताए गए स्थान पर शास्त्री नगर थाना अंतर्गत दुर्गा स्थान पर इनकी बहन रहती है, वहाँ पर गांधी मैदान थाना के इंस्पेक्टर साहब गए और संबंधित पदाधिकारी भी गए और वहाँ पर इस नकली DSP विजय कुमार भारती का फुल वर्दी, स्टार, बैज, नेम प्लेट, बेल्ट, टोपी के साथ ये पकड़े गए। वहाँ पर वहाँ पर सामानों की बरामदगी हुई और उसके पश्चात पूछताछ के पश्चात इनको हिरासत में लिया गया। आपको बता दें, ये फर्जी शख्स DSP बनना चाहता था। उसने अपने माता पिता को पढ़ लिख कर DSP बनने का भरोसा दिलाया था, लेकिन जब प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता नहीं मिली तब उसने नकली DSP का भेष धारण कर लिया। फिलहाल खबर हुई समाप्त। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।